गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडेज वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर 2, लॉग ऑन टू एमएस एक्सेल 2010। डियर स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल इज ए डाटाबेस सॉफ्टवेयर इन विच वी कीप आवर डाटा इन सिस्टमेटिक मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज MS Access 2010. It is very difficult to maintain a data manually when there are 100,000 of records as the chances of the committee errors increase. Dear students, suppose that if you want to arrange a large data in a manually way, then you have to face some difficult problem because you can't arrange this data in a proper way in systematic manner. For this we need database. So first of all we will know what is database. It means you can say that database is an organized way of the storing information quickly and efficiently. Yani database ek tarah ka ek aisa organized way hota hai jisme row and column hote hain. हम अपने इंफॉर्मेशन को क्विकली तेज़ी से आसानी से और कुशलतापूर्वक स्टोर कर लेते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ डाटाबेस। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डाटाबेस, प्लाट फाइल डाटाबेस। डियर स्टूडेंट्स, अ प्लाट फाइल डाटाबेस रिफर टू डाटा फाइल डेट कंटेन रिकॉर्ड्स विच हैव अ स्मॉल फिक्स नंबर ऑफ फील्ड विदाउट एनी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डियर स्टूडेंट, प्लाट फाइल डाटाबेस में जो है एक फिक्स नंबर ऑफ फील्ड होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये डाटाबेस एक छोटा डाटाबेस होता है। बट सपोज दैट इफ़ यू वांट टू अरेंज योर लार्ज डाटा, देन यू नीड रेशनल डाटाबेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे हम लोग कि रेशनल डाटाबेस क्या है। रिलेशनल डाटाबेस स्टोर डाटा इन सेवरल टेबल्स एंड लिंक दोज टेबल टुगेदर टू गेट अ कॉमन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल एंड ईटीसी। इट मींस